सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में हम लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप ये खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपको इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी ये आईपीओ सही रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। तो यहां पर कंपनी की कुछ सर्विसेज के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। यहां पर आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2006 यानी 2006 में यह कंपनी बनी थी। लेटेंट व्यू प्रोवाइड्स एनालिटिक्स सर्विसेज सच एज डेटा एंड एनालिटिक्स कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इनसाइट, एडवांस्ड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियरिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशन। यानी कि आप जितनी भी इनकी सर्विसेज देखेंगे, सभी की सभी यहां पर डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड इनकी सर्विसेज हैं। यानी कि ये जो कंपनी है मेनली डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है। और देखिए, इसके पहले भी एक कंपनी आई थी हैप्पीएस्ट माइंड, और उसके आईपीओ ने कमाल कर दिया था। वैसे ही मुझे लगता है कि ये आईपीओ भी कुछ ऐसा ही करके दिखाने वाला है। अब देखिए, फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में सबसे पहले आता है टोटल एसेट्स वैल्यू। अब देखिए, 2019 में अगर एसेट्स वैल्यू की बात करें तो 3236 मिलियन के आसपास रही थी। वहीं 2020 में अगर बात करें तो 3978 मिलियन के आसपास ये होती हुई नजर आई। 2021 में बात करें तो 5191 मिलियन के आसपास इनकी एसेट वैल्यू हो गई। यानी कि अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो लगातार साल दर साल इनकी एसेट वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें रेवेन्यू की, तो देखिए 2019 में अगर रेवेन्यू देखें तो 2959 मिलियन के आसपास रेवेन्यू रहा। वहीं 2020 में बात करें तो 3296 मिलियन के आसपास रेवेन्यू होता हुआ नजर आया। यानी कि काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। वहीं अगर बात करें 2021 की, तो रेवेन्यू 3267 मिलियन के आसपास रहा। यानी कि यहां पर मामूली सी गिरावट देखने को मिली। हालांकि देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ऊपर की तरफ ही जाती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, और प्रॉफिट किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर 2019 में अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 596 मिलियन के आसपास रहा। वहीं 2020 की बात करें तो 728 मिलियन के आसपास यहां पर प्रॉफिट रहा था। वहीं 2021 की बात करें तो 914 मिलियन के आसपास यहां पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। यानी कि पिछले सालों के मुकाबले यहां पर देखें तो प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये ट्रेंड लाइन भी कुछ ऐसा ही इशारा करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, यहां पर अगर बात करें आईपीओ डिटेल की, तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि 10 से 12 नवंबर के बीच ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है। अप्लाई करने के लिए बुक बिल्ट इशू है, ₹1 प्रति इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू रखा गया है। आईपीओ प्राइस की बात करें तो 190 से 197 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है। यानी 197 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 76 शेयर्स होंगे, और मिनिमम आप 76 शेयर्स के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। वहीं बीएससी एनएससी दोनों में ही आईपीओ लिस्ट होगा। इशू साइज की बात करें तो टोटल इशू यहां पर 600 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से फ्रेश इशू 474 करोड़ के आसपास का है, और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 126 करोड़ के जो शेयर्स आएंगे वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे। एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें तो ₹19 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से एम्प्लॉय जो हैं उनको यहां पर उंट दिया जा रहा है। अब देखिए, रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो यहां पर 10% का रिजर्वेशन आपके लिए रखा गया है। यानी कि बहुत ही छोटा अमाउंट है, यहां पर अलॉटमेंट में आपको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मेरा सजेशन यही है कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करें, और अगर आपके पास अकाउंट एक ही है तो आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से नए डीमैट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर बात करें अगर टाइम टेबल की, तो ये जैसे कि मैंने बताया 10 से 12 नवंबर के बीच आईपीओ ओपन होने जा रहा है। 16 तारीख को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 17 तारीख को आपके पैसे वापस आ जाएंगे, और अगर अलॉटमेंट आपको मिल गया है तो 18 तारीख को शेयर्स आप
आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग की बात करें तो ये आईपीओ 22 नवंबर के दिन मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, यानी कि 22 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि कितना लिस्टिंग गेन यहाँ पर आपको मिलता हुआ नज़र आया है। अब देखिए यहाँ पर बात करें लॉट साइज़ की, तो मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 76 शेयर्स रहेंगे और 14,972 रुपये आपको इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं मैक्सिमम लॉट की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट कर सकते हैं, 988 शेयर्स इसमें रहेंगे और 1,94,636 रुपये आपको इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। तो ये आईपीओ की डिटेल हो गई, सारा कुछ हमने जान लिया कि भाई इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। फाइनेंशियल ठीक ठाक हैं, उतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा औसम भी नहीं है, हालांकि प्रॉफिट इनका लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात इसके लिए हो सकती है। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 60 रुपये के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी 197 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 60 रुपये के प्रीमियम के साथ है ये आईपीओ करीबन यहाँ पर आप देखें तो 257 रुपये पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि प्रीमियम यहाँ पर ठीक ही ठाक चल रहा है, उतना ख़राब नहीं है। अगर देखें परसेंटेज में तो यहाँ पर इशू प्राइस के मुकाबले ये 30% के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। अभी देखिए इस आईपीओ के ओपन होने में 2-3 दिन बाकी हैं, तो मुझे लगता है कि ये आईपीओ का जो प्रीमियम है आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा और इससे भी कहीं ज़्यादा आपको प्रीमियम मिलता हुआ नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन भी यहाँ पर मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं नज़र आती हैं, तो आपको एक अकाउंट से नहीं बल्कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट से इसमें एक एक लॉट अप्लाई करना चाहिए जिससे आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाए। और वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ सकता है, तो शॉर्ट टर्म में तो आपको अप्लाई करना ही है और कुछ शेयर्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ने हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए इसमें और भी अपडेट सामने आएंगी, तो डेली का अपडेट मैं आपको तो प्रोवाइड करता रहता हूं, आपको पता ही है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहां पर मैं आईपीओ से रिलेटेड सारी अपडेट या शेयर मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूं और आगे चलकर चैनल पर कुछ नए नए फीचर्स भी आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहां पर काफ़ी बढ़िया फायदा होने वाला है। और देखिए कुछ लोग ऐसे हैं चैनल को तो देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसे लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होता हुआ नजर आता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।